नमस्ते, मैं हूँ सूफिया जयपुरी और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना जो काम है आप लोगों को बता सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो आज मैं आप लोगों को कटवर्क बता रही हूँ कि कटवर्क हम कैसे करते हैं। नॉर्मली कटवर्क जो रहता है वो हम धागे से करते हैं, पर आज जो मैं आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर कर रही हूँ वो हम धागे से नहीं करेंगे, वो हम जो 3D आउटलाइनर्स आते हैं, इस तरह के आउटलाइनर्स रहते हैं, इन आउटलाइनर्स को यूज़ करके हम आज कटवर्क यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ प्रोसेस। हमको सबसे पहले एक फैब्रिक चाहिए। फैब्रिक ऐसा होना चाहिए कि सिंथेटिक होना चाहिए। ओके, सिंथेटिक इसीलिए क्योंकि हम जो कटवर्क आज करेंगे वो हम जो अगरबत्ती होती है उससे हम अपने कपड़े को जलाएंगे, तो ये जो रेशे निकले रहते हैं आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये रेशे निकले हुए हैं, तो जलाने से ये रेशे जो होंगे वो निकल जाएंगे और हमारा कपड़ा जो होगा वो खुलेगा नहीं। तो सिंथेटिक मटेरियल हम इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी सिंथेटिक ले सकते हैं, जैसे रॉ सिल्क है या सैटन है या और भी कोई भी सिंथेटिक मटेरियल आप काम में ले सकते हैं, बट आपको टेस्ट कर लेना होगा सबसे पहले से काम में लेने से पहले कि ये जल रहा है या नहीं। तो उसके लिए जैसे मेरे पास में ये लाइटर है, ये रेशा है, मैं इसे थोड़ा जला के देखूंगी कि ये देखिए ये जल जाएगा और इसका जो एजिंग है उसमें एक फिनिशिंग आ जाएगी, दैट मीन्स कि ये कपड़ा हम काम में ले सकते हैं। ओके, तो अब कपड़ा हमने फाइनल कर लिया, इसके बाद हमें कटवर्क की ट्रेस चाहिए होती है। ट्रेस जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो मैं ये वाली ट्रेसिंग यूज़ करूँगी। कोई भी आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी ड्राइंग्स मिल जाएंगी, या फिर अगर आपके पास खुद का कोई डिज़ाइन है तो वो भी आप ले सकते हैं। बस हमें डिज़ाइन में ये ध्यान रखना है कि आपके डिज़ाइन में कनेक्टर्स होने चाहिए, ये कनेक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ये कनेक्टर्स रहेंगे तो हमारा कपड़ा हाथ में रहेगा, नहीं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो कट के अलग हो जाएगा हमारे फैब्रिक से। तो ये हर डिज़ाइन में ये कनेक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप अपना खुद का कोई डिज़ाइन ले रहे हैं तो आप उसमें अपने अंदाज से कनेक्टर्स ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, ये फैब्रिक पे मैंने, ये हम टेबल रनर बना रहे हैं आज, तो मैंने पहले से ये डिज़ाइन ट्रेस करके रखा हुआ है यहाँ पे टेबल रनर पे वाइट कार्बन पेपर की हेल्प से। ओके, अगर ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, अगर हम कोई छोटा मोटा कोई पीस आर्टिकल बना रहे हैं तो हम अपने कपड़े के अंदर ये जो रिंग्स आती हैं, एम्ब्रॉयडरी लूप्स आते हैं, वो हम यहाँ पे डाल के और 3D आउटलाइनर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। पर जैसे ये मेरा एक टेबल रनर है, एम्ब्रॉयडरी लूप पूरे टेबल रनर पे नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास एक प्लास्टिक शीट है, प्लास्टिक शीट को मैं पहले यहाँ पे अपने टेबल पे रख लूँगी और फिर उसके ऊपर मैं ये अपना फैब्रिक रख रही हूँ। अब इस फैब्रिक के ऊपर मैं 3D आउटलाइनर्स यूज़ करूँगी। प्लास्टिक शीट, ये मटेरियल जो है प्लास्टिक ही होना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप कोई न्यूज़पेपर लेंगे तो इन केस अगर आपका कलर फैब्रिक से नीचे आ जाता है तो न्यूज़पेपर आपके फैब्रिक पे चिपक जाएगा, इसीलिए हमें नीचे जो भी बेस लेना है वो प्लास्टिक का लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट लगा दिया है। ओके, मैं यहाँ पे पर्ल मेटालिक गोल्ड 3D आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फैब्रिक के कलर के हिसाब से 3D आउटलाइनर्स का कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोन में 3D आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ, स्क्वीज बॉटल्स में भी अवेलेबल हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इन आउटलाइनर्स को यूज़ करते हैं तो इसका नोज़ल हमारे फैब्रिक पे टच होना चाहिए, ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टच होगा तो वो आउटलाइनर फैब्रिक एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज़ वो सिर्फ ऊपर के सरफेस पे रह जाएगा और बाद में पील ऑफ होके निकल जाएगा।
इसी तरह से हमें पूरी डिज़ाइन पे हमारा 3D आउटलाइनर चलाना है, इंक्लूडिंग कनेक्टर्स। इसी तरह से हम अपना पैटर्न पूरा कर लेंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मेरा टेबल रनर का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और ड्राई भी हो गया है। अब हमें इसे जलाना है। जो मेन कटवर्क है वो प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इंसेंस स्टिक अगरबत्ती यूज़ करिए या फिर सोल्डरिंग मशीन। तो सबसे पहले हम इंसेंस स्टिक यूज़ करके इस मेथड को समझते हैं। नीचे मैंने एक प्लेट रखा है क्योंकि अगरबत्ती के जो एशेस हैं वो गलती से अगर कहीं और गिर जाएंगे फैब्रिक पे तो फैब्रिक पे होल्स हो जाएंगे। कनेक्टर्स को छोड़ के हमें वो पार्ट बर्न करना है जहाँ पे हमें कटवर्क रखना है। अगरबत्ती गर्म होती है उससे हमारा जो फैब्रिक है सिंथेटिक फैब्रिक वो कट के अलग हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना पूरा डिज़ाइन बर्न कर लेंगे। अगरबत्ती से जलाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा उसका ड्रॉबैक ये है कि गलती से अगर एशेस कहीं और गिरे तो हमारा प्रोजेक्ट पूरा स्पॉइल हो जाता है। तो अल्टरनेट मेथड जो है सोल्डरिंग मशीन यूज़ करने का वो बेस्ट है और काम भी बहुत क्विक होता है उसे। ये सोल्डरिंग मशीन कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप पर ईजीली अवेलेबल है हमें।
ये देखिए टेबल रनर पूरा रेडी हो चुका है कटवर्क के साथ में। अब हमें इसे लास्ट स्टेप है, फिनिशिंग देना है हमें इसे। तो कहीं कहीं फैब्रिक रह जाता है बर्न करने के बाद, तो वो हम सीज़र से कट करके निकाल देंगे। ये टेबल रनर अब यूज़ करने के लिए रेडी है। मैं और भी तरह के आर्ट वर्क करती हूँ, जैसे बॉटल आर्ट विच इंक्लूड्स क्ले वर्क, ब्लू पॉटरी, डेकोपाज। क्रोशे वर्क विच इंक्लूड्स पोंचो, शॉल्स, स्टॉल्स, कोस्टर्स, हैंड पेंटेड टोट बैग्स, कुशन कवर्स। रेजिन आर्ट विच इंक्लूड्स प्लैटर्स, ट्रेस, कोस्टर्स, टी लाइट हैंड होल्डर्स, वॉल आर्ट। Acrylic paintings and wall decor. Hand painted bed sheets. Texture painting. Tie and dye. कलमकारी फैब्रिक वॉल क्लॉक। मनी और करेंसी बुकेस, जो हम किसी भी ओकेजन पे हमें एनवलप्स देना हो उसकी प्लेस पे हम बुकेस बना सकते हैं। वन स्ट्रोक पेंटिंग्स,
मिक्स्ड मीडिया, थाई आर्ट एंड डिफरेंट ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। कॉफी पेंटिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माई वर्क।